साथियों, 11 जुलाई को पटना में जो नियोजित शिक्षकों का बड़ा आंदोलन हुआ, वो आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था। कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इतनी बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक पटना अपनी बात कहने आए थे। उनकी सरकार से बहुत सीधी मांग थी कि हम लोग को बिना शर्त राज्यकर्मी का सरकार दर्जा दे, और उसके बाद सरकार ने भी ये आश्वासन दिया कि विधानसभा सत्र 14 जुलाई के बाद उनके साथ बैठक होगी, बैठ के बातचीत होगी और कोई सोल्यूशन निकलेगा। ये सब चीज ठीक तरीके से हो गया, शिक्षक अपने अपने घर लौट गए। लेकिन आज से जो शुरू हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने तमाम बीओ को चिट्ठी लिख करके ये कहा है, जैसे हमने देखा सहरसा की तरफ से हुआ है, दरभंगा में हुआ है, मोतिहारी में हुआ है, और भी कई जिलों से ये खबर आ रही है। तो वहां पे जिला प्रशासन की तरफ से ब्लॉक जो एजुकेशन ऑफिसर है उनको चिट्ठी लिख के कहा जा रहा है कि हमें ऊपर से आदेश है कि आप जितने शिक्षक इसमें भागीदारी किए हैं उनको चिन्हित कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये सरासर अलोकतांत्रिक है, गलत है। शिक्षक जो आंदोलन में गए थे उन्होंने बकायदे अपने स्कूल से छुट्टी ली थी, जहां पे आंदोलन करना था उस जगह की अनुमति ली गई थी, परमिशन ली गई थी। इसके बाद कार्रवाई करने की अगर बात कर रही है तो निश्चित तौर से ये अलोकतांत्रिक है। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करेंगे कि इस तरह का जो रवैया शिक्षा विभाग ने अख्तियार किया है इस पर तत्काल रोक लगे और किसी भी शिक्षक के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई न हो, इसकी गारंटी की जाए, ये हम लोग मांग करते हैं।